के अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2022 को लेकर, क्योंकि 2021 में जो फॉर्म लिए भराए गए थे जनवरी 2021 में वो रद्द कर दिए गए और उसके बाद अब दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि उसमें समस्या थी। और अब 50,000 पदों की जगह पर 20,000 पद पहले भरे जाएंगे, फिर उसके बाद 30,000 पद उसके बाद भरे जाएंगे, यानी दो चरणों में अब ये भर्ती होगी। तो कब से आवेदन लिए जाएंगे, तो आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं और आपको डिटेल देते हैं। पूरी की पूरी जो डिटेल है निकल के आई है, काफ़ी बड़ी अपडेट है, इसका आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, यहाँ जो पूरी अपडेट है उसमें बताया गया कि प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल 50,000 पद खाली हैं, इनमें से 20,000 पदों पर भर्तियाँ 6 माह अंदर की जाएंगी, यानी 6 महीने के अंदर ये भर दी जाएंगी। तो इन दोबारा फॉर्म लेकर 6 महीने के अंदर ये फॉर्म भर दिए जाएंगे, बाकी 30,000 पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा, यानी पूरे 2022 और 23 के अंदर ये फॉर्म भर लिया जाएगा। अपनी 5 सालों की कार्य योजना तय किया है और अब इन भर्तियों को दो चरणों में भरा जाएगा। जो पूरी 50,000 भर्तियाँ थीं वो अब 2,000 यानी दो चरण में भरी जाएंगी। एक चरण में आपकी 20,000 होंगी और दूसरे चरण में 30,000 पद भरे जाएंगे। ये जनवरी 2021 में विभाग के द्वारा 50,000 पदों पर आवेदन लिए गए थे, जिलेवार आवेदन लिए गए थे। आप सभी लोगों ने फॉर्म भरा था 50,000 पदों पर, लेकिन इसमें क्या था कि EWS का जो है कोटे का निर्धारण नहीं किया गया था, यानी इस वाले आरक्षण का पालन नहीं किया गया। जब इसका पालन नहीं किया गया तो इस भर्ती को जो है समस्या हो गई। आर्थिक रूप से पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया गया, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे वो EWS था, सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया, इस वजह से यहाँ पर समस्याएं हुई और फिर क्या हुआ, वो भर्ती फंस गई। इसी वजह से अब पोर्टल पर जो है नया कॉलम और प्रमाण पत्र के साथ आपको फॉर्म भरना होगा। तो जिनके नहीं बने हैं वो सभी लोग नए प्रमाण पत्र अपना ज़रूर बनवा लें। इसके चलते एक दर्जन से ज़्यादा जिलों के DM ने हाथ खड़े कर दिए और शासन से परामर्श मांगा। तो अभ्यर्थियों ने अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर पा रहे थे ना ही अभ्यर्थी अपलोड कर पा रहे थे, इसके चलते ज़्यादातर DM ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये भर्ती आज संपन्न नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए पूरा तय हुआ कि 30,000 पदों की भर्ती 1 साल में और बाकी 20,000 भर्तियों की 6 माह में जो है भर्ती पूरी कर ली जाएगी। तो इस प्रकार आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्रियाँ हैं उनकी जो भर्ती होनी है वो 20,000 पदों पर पहले भर्ती संपन्न की जाएगी और फिर 30,000 उसके बाद की जाएगी। इस प्रकार टोटल जो भर्ती होगी वो 50,000 संपन्न हो जाएगी। तो इस तरीके की अपडेट जैसे ही आएगी, फॉर्म खुलेगा और अपडेट आएगी, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब इसकी प्लेलिस्ट आंगनबाड़ी में भी आप देख सकते हैं जो है, क्योंकि इस पे हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले भी बनाए हैं आरक्षण को लेकर। हर एक मुद्दे पर हमने डिस्कशन 2021 में भी किया था और अब 2022 में भी जब शुरू होगी तो सारी चीज़ें हम विधिवत आपको एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।